तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो करते हैं फटाक से स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 3 अकाउंट मेरे लॉग इन है इंस्टाग्राम ऐप के अंदर। लेकिन मेरे को करना क्या है, लेकिन मुझे ये यहाँ पर परमानेंटली डिलीट नहीं करने, मेरे को वो अकाउंट डिलीट करना है जो कि मेरे फोन नंबर से बना हुआ है और यहाँ पर लॉग इन नहीं है। तो करेंगे क्या उसके लिए, आप इनको भी कर सकते हो, लेकिन इनको मैं आगे बताऊंगा कि आपको ये कैसे डिलीट करने हैं परमानेंट। तो अभी हम उसको लॉगिन करके उसको डिलीट करेंगे। सेम वही प्रोसीजर होने वाला है जैसे कि आप इनको यहां पर परमानेंट डिलीट करोगे जो आपके अकाउंट में लॉगिन है, मतलब इंस्टाग्राम ऐप में लॉगिन है। तो अभी देखिए, मैं सिंपली यहां पर ऐड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, लॉगिन इनटू एग्जिस्टिंग अकाउंट पर क्लिक करूंगा एंड यहां पर आप देख सकते हो यहां पर मेरे 3 अकाउंट आ चुके हैं एंड अभी मेरे को ये यहाँ पर लॉगिन नहीं करने हैं और ना ही मुझे ये डिलीट करने हैं। मेरे को करना क्या है, मेरे को सबसे पहले फाइंड करना है अपना वो अकाउंट जो कि मेरे फ़ोन नंबर से रजिस्टर्ड है। तो मैं करूँगा क्या, सिंपली मैं यहाँ पर स्विच अकाउंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा फॉरगेट यूअर लॉगिन डिटेल्स। तो सिंपली अगर मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अपना यूज़र नेम यहाँ पर डाल दीजिए या फिर अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए यानी कि जीमेल एंड या फिर आप यहाँ पर फ़ोन नंबर भी अपना डाल सकते हो अपने अकाउंट को फाइंड करने के लिए, जिस अकाउंट को आप भूल चुके हो। तो मैं करूंगा क्या, मैं सिंपल यहां पर अपना जो फोन नंबर है उसको यहां पर डाल देता हूं और मैं सिंपल यहां पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप देखिए यहां पर आ चुका है कि लॉगिन कोड सेंट, जो मेरा कोड है वो सेंट कर दिया है, सेंड कर दिया गया आपके फोन नंबर पर। तो मैं सिंपल यहां पर ओके करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हो ऊपर कोड आ गया है और यहां पर ऑटोमेटिक यहां पर फिल होके और ये मेरे अकाउंट्स आ गए हैं जो भी मेरे इस फोन नंबर से रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो वहां पर मेरे 3 अकाउंट लॉगिन थे और यहां पर मेरे 5 अकाउंट आ रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे को करना क्या है, मेरे को ये वाला जो अकाउंट है, मेरे को ये वाला अकाउंट परमानेंट डिलीट करना है। तो मैं सिंपली करूंगा क्या, मैं सिंपली यहां पर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपका ओटीपी ऑटोमेटिक फिल नहीं होता तो आपको ओटीपी यहां पर फिल करना है एंड आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है, ठीक है, कंटिन्यू पर। तो अभी आप देखिए यहां पर जो ये अकाउंट है मेरा, ये यहां पर लॉगिन हो चुका है। अभी मेरे को ये अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना है। तो सबसे पहले उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले हमको यहां पर इसका जो पासवर्ड है वो पता होना चाहिए और हमको इसका पासवर्ड नहीं पता है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम जो इसका पासवर्ड है उसको करेंगे चेंज। तो चेंज करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर ऊपर 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे एंड नीचे यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन पर आएंगे एंड यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के अंदर जाना है एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब भी देखिए ये बोल रहा है कि पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर करंट पासवर्ड डालना होगा, लेकिन हमको करंट पासवर्ड नहीं पता है तो हम फॉरगेट योर पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि टेक्स्ट सेंड कर दिया गया है आपके जो फ़ोन नंबर है उस पर। तो सिंपली मैं यहाँ पर ओके करूँगा और अभी तक टेक्स्ट आया नहीं है, एक लिंक आएगा, वो लिंक अभी आया नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर बैक करते हैं, इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं और जैसे ही लिंक आता है ऐसे ही सिंपली हम उसको लिंक पर क्लिक करना है। तो अभी तक यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं आया है तो हम करेंगे कि हम दोबारा से जाएंगे 3 लाइंस पर एंड सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको सिंपली सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, पासवर्ड पर क्लिक करना है एंड फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो अभी देखिए बोल रहा है कि कुछ मिनट के लिए वेट कीजिए आप दोबारा से रीसेंड करने के लिए मैसेज को। तो अभी ये वेट करने के लिए बोल रहा है तो अभी हम यहाँ पर वेट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन यहाँ पर जो मैसेज है, जो लिंक है वो नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम सिंपली इसको यहाँ पर बैक करेंगे और यहाँ पर बैक करेंगे एंड सिंपली हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर अकाउंट के ऑप्शन पर जाना है एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाना है एंड यहाँ पर हमको ईमेल एड्रेस फिल करना है। तो मैं सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पर ईमेल एड्रेस फिल कर लेता हूँ। तो सिंपली मैंने ये ईमेल एड्रेस डाल दिया यहाँ पर और इसको कर देते हैं यहाँ पर राइट के ऊपर से क्लिक, ठीक है, और बस ओके करना है। एंड अभी हम करेंगे क्या, अभी सिंपली आपको बैक जाना है, फिर से हम यहीं पर जाएंगे सिक्योरिटी के अंदर एंड पासवर्ड के अंदर जाएंगे एंड फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी मेल पर यहां पर सेंड हो चुका है। तो अभी हम ओके करेंगे और ये सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपका मैसेज में नहीं आता है लिंक तो आपको मेल ऐड करना है वहां पर। एंड अभी हम करेंगे क्या, सिंपली यहां पर मेल को ओपन करेंगे। तो सिंपली मैं यहां पर इसको रिफ्रेश करूंगा, आप यहां पर देख सकते हो यहां पर इंस्टाग्राम रीसेट योर पासवर्ड का जो मेल है वो आ गया है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड इस पर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, आपको सिंपली होम बटन दबाना है एंड आपको अपना जो क्रोम है उसको करना है ओपन। क्रोम को ओपन करने के बाद में आपको करना है क्या है,
आपको सिंपली थ्री लाइंस पर, थ्री डॉट्स पर ऊपर क्लिक करना है एंड आपको सेटिंग्स पर जाना है एंड आपको यहाँ पर क्लिक करना है अपने अकाउंट पर और आपको यहाँ पर साइन आउट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है तो जो आपका अकाउंट होगा वो यहाँ पर साइन आउट हो जाएगा आपके क्रोम के अंदर। अभी आपको करना है क्या है, अभी आपको सिंपली जीमेल के अंदर जाके और जो रीसेट पासवर्ड का बटन है आपको सिंपली इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर ये रिडायरेक्ट हो जाएगा एंड अभी आपसे पूछ रहा है न्यू पासवर्ड के लिए, तो सिंपली आपको अपना न्यू पासवर्ड डाल देना है जो भी आप चाहते हो डालना और बस आपको यहाँ पर रीसेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक कर देना है तो जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर रीसेट हो गया होगा। अभी आपको करना क्या है, अभी आती है मेन चीज, अभी आपको जो अकाउंट है वो डिलीट कैसे करना है। तो देखिए अभी यहाँ पर मेरे चार अकाउंट लॉगिन हो चुके हैं एंड अभी मेरे को ये अकाउंट अगर डिलीट करना है परमानेंटली तो आपको करना क्या होगा, अभी देखिए आपको सिंपली थ्री लाइंस पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक करना है हेल्प, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है हेल्प सेंटर पर, तो यहाँ पर आपको करना है क्या, यहाँ पर आपको ऊपर थ्री लाइंस पर क्लिक करना है एंड आपको सिंपली यहाँ पर मैनेज योर अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है डिलीट योर अकाउंट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा डिलीट योर अकाउंट और टेम्परेली डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो अगर आप टेम्परेली डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ से अगर आप कुछ भी करोगे तो यहाँ से आपका जो अकाउंट है वो डिलीट नहीं होगा। तो आपको अकाउंट को डिलीट करने के लिए करना क्या होगा, आपको सिंपली क्रोम पर जाना है एंड आपको ऊपर यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम एंड अभी आपको करना क्या है, आपको ऊपर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है एंड आपको सिंपली यहाँ पर डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर हेल्प सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा मैनेज योर अकाउंट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपको सिंपली यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड आपको फिर यहाँ पर डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट के पर क्लिक करना है एंड सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिलीट योर अकाउंट, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है या फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हो डिलीट योर अकाउंट पेज, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप यहां पर लॉगिन पेज पर आ जाओगे तो सिंपली अभी आपको वो जो आपकी जीमेल आईडी है, मतलब सॉरी जो आपका यूजर नेम है वो आपको यहां सिंपली यहां पर एंटर करना है, जो हमारा यूजर नेम था जिस अकाउंट को हम डिलीट करना चाहते हैं एंड आपको यहां पर नीचे पासवर्ड एंटर कर देना है एंड आपको सिंपली यहां पर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है और आप चाहो तो इसको सेव कर सकते हो, वैसे सेव तो करना नहीं है क्योंकि अकाउंट डिलीट करना है, तो सिंपली मैं यहां पर नॉट नाउ कर दूंगा अभी। एंड अभी देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है आपका जो ये अकाउंट है ऊपर, आप देख लीजिए यहाँ पर जो अकाउंट आपका ये है इसको आप डिलीट करने जा रहे हो, तो आपको सिंपली करना है क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लेना है रीजन, ठीक है। तो सिंपली मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ क्रिएटेड अ सेकेंड अकाउंट यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड सिंपली आपको अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर करना है जो हमने चेंज किया था पासवर्ड, तो सिंपली मैं वो पासवर्ड यहाँ पर फिर से एंटर कर देता हूँ। इसलिए मैंने बोला था कि पासवर्ड जो है वो रीसेट करना जरूरी है क्योंकि पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर दिया। और वैसे आप यहाँ पर भी फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो लेकिन फिर वही है बाद में पीछे जाओ ये करो वो करो, तो सिंपली अभी आपको करना है क्या है, अभी आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा यूअर प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल्स विल बी हिडन अंटिल मार्च 9, तो देखिए मेरे भाई 9 मार्च 2023 एंड डिलीटेड ऑन दैट डेट, तो देखिए भाई 9 मार्च तक आपका जो अकाउंट रहेगा वो दिखेगा लेकिन 9 मार्च के बाद आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसको लॉगिन करते हो 9 मार्च से पहले, अगर आप इसको लॉगिन करते हो तो आपकी जो अकाउंट डिलीटेशन की रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो आपको ये अकाउंट फिर लॉगिन नहीं करना है कभी भी, ठीक है। 9 मार्च से पहले पहले आपको ये लॉगिन नहीं करना है और 9 मार्च को फिर ये अकाउंट आपका डिलीट परमानेंट हो जाएगा। तो सिंपली मैं करूंगा क्या है, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा डिलीट और ये अकाउंट जो लिख रहा है मेरा एंड सिंपली आपको यहाँ पर पूछ रहा है फिर से, तो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो अभी देखिए यहाँ पर जो आपका अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया योर अकाउंट विल बी डिलीटेड ऑन 9 तारीख, देखिए 9 मार्च को यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगा, सॉरी ऑन मार्च 9, मतलब कि 9 मार्च को यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। एंड इफ यू चेंज योर माइंड, अगर आप अपना माइंड चेंज करते हो लॉग बैक इन बिफोर देन एंड चूज टू कीप योर अकाउंट, अगर आप इसको लॉग इन करते हो फिर से तो आपका जो अकाउंट है वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए भाई ऐसे आप अपना अकाउंट यहाँ पर डिलीट कर सकते हो और मैं अब ये करूँगा क्या, यहाँ पर देखिए सिंपली मैं इंस्टाग्राम को यहाँ पर ओपन करता हूँ एंड अभी आप यहां पर देखिए यहां पर एरर आ चुका है क्योंकि हमने यहां पर डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दिए, तो सिंपली ये यहां पर लॉग आउट हो चुका है ऑटोमेटिक, तो मैं सिंपली इसको ओके करूंगा। और अभी आप यहां पर देखिए यहां पर मैं फिर से इसको लॉगिन करूंगा, सॉरी ओपन करूंगा
एंड अभी आप यहाँ पर देखिए यहाँ से भी अकाउंट चला गया है हमारा। और एक काम करता हूँ मैं ऐड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, लॉग इन इंटू एग्जिस्टिंग अकाउंट पर क्लिक करूंगा, तो आप देखिए यहाँ से भी वो अकाउंट चला गया है।